नमस्ते। क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। अच्छी खबर इसलिए है कि आज भारत और बांग्लादेश का एक निर्णायक मैच होने वाला है, जिसे अगर भारत जीत लेता है तो भारत सीधे सेमीफाइनल में एंट्री करेगा। इसके अलावा एक और अच्छी खबर है जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं अपने चैनल के जरिए से। नमस्कार, मैं हूं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल बिहार डेलीगेशन। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का जो होता है उसे भी आप ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दूसरी अच्छी खबर ये है कि BCCI चाहती है कि भारत में क्रिकेट को अच्छे तरह से बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए बिहार में ही राजेंद्र नगर में एक क्रिकेट स्टेडियम है, BCCI उस स्टेडियम का जीर्णोद्धार करना चाहती है, जिसके साथ BCCI इस स्टेडियम पे 1,000 करोड़ रुपये का खर्च करेगी। आपको बता दूं कि इसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाँ भर दिया है, यानी कि अपनी सहमति दे दिया है। तो बहुत जल्द ये स्टेडियम तैयार हो जाएगा। और एक और अच्छी खबर आपको जो इसी साल आई थी, लगातार 16 सालों से बिहार क्रिकेट एसोसिएशन पे चल रहे बैन को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था, जिस वजह से कि बिहार इस पिछले वर्ष ही रणजी में शामिल हो गई थी और इसी साल बिहार में रणजी का मैच भी हुआ था। हालांकि इस मैच में जो टीमों का सिलेक्शन हुआ था या फिर कमेटी गठन हुई थी उसको लेके घूसखोरी रिश्वतखोरी जैसे आरोप लगाए गए, तो उम्मीद करता हूँ ये जो स्टेडियम जो बनके दोबारा से तैयार होने जा रहा है राजेंद्र नगर क्रिकेट स्टेडियम, इसमें इस तरह के कोई घोटाला ना हो और काफ़ी अच्छा रहेगा अगर इस तरह के घोटाले वगैरह से बचते हुए अगर स्टेडियम का निर्माण किया जाता है तो ये बिहार क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छा होगा। और साथ ही पटना के आसपास के जो क्रिकेट फ्रेंड हैं जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं उनके लिए भी बढ़िया होगा, वो भी काफ़ी कुछ इस स्टेडियम में आके अपना प्रयास कर पाएंगे। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। हमारा वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार डेलीगेशन के लिए चल